नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूँ आपके साथ नेहा। राजीव गोद ग्राम कुल्हारी घाट की बल्दी बाई की बहू के साथ जो दुर्भाग्यजनक घटना अभनपुर क्षेत्र के एक अस्पताल में हुआ, उसके बाद गरियाबंद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप सरकार ने अपने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ इस घटना का विरोध करते हुए आज जिला कार्यालय पहुंचे। ऐसे अमानवीय विकृत करने वाले अस्पताल का पंजीयन तत्काल निरस्त करने हेतु जिला प्रशासन को एक आवेदन देते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है, राजीव गोद ग्राम की बल्दी बाई, जिनके हाथों से स्वर्गीय राजीव गांधी एवं सोनिया गांधी ने कभी कंदमूल का स्वाद चखा था, उनकी बहू और बच्चे को गर्भ अवस्था में मैनपुर से रेफर किया गया था, जिसे चार गाड़ी बदलते हुए वह रायपुर जाने के बजाय अभनपुर के सोनी नामक निजी चिकित्सालय में कैसे पहुंच गई। 102 के वाहन चालक ने उसे अभनपुर के प्राइवेट अस्पताल ले गए और वहां जाने के बाद बच्चे और जच्चा दोनों की मौत हो गई और अस्पताल प्रबंधन ने बिना पैसे के लाश देने के लिए मना कर दिया। ऐसे स्थिति में किसी तरह तीन लोगों से कर्ज लेकर 25,000 रुपए अस्पताल में जब जमा किया गया, तब उन्होंने उनका लाश दिया, तब जाकर उनका अंतिम संस्कार हो पाया। यह दुर्भाग्य का विषय है। प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनजाति के साथ ऐसी अमानवीय व्यवहार करने वाले अस्पताल का पंजीयन तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कांग्रेस सरकार की जो मंशा है आम लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, वह बराबर पहुंचते रहे और भविष्य में इस तरह का कोई भी अस्पताल ऐसी दुस्साहस का कार्य ना कर सके। अगर अस्पताल की पंजीयन निरस्त नहीं होती है तो जिला युवा कांग्रेस आगे उग्र आंदोलन करेगा। श्रीमती बल्दी भाई, उनकी जो बहू है, उनका जो गर्भस्थ शिशु है, उनकी मृत्यु जो है प्राइवेट हॉस्पिटल अभनपुर में हुई करके इसमें अंकित किया गया है। उनका कहना है कि हॉस्पिटल में जब महिला की डेथ हुई, बच्चे की डेथ हुई, तो उन्होंने शव देने से मना कर दिया, तो उस हॉस्पिटल की जांच पंजीयन निरस्त किए जाने के लिए जांच समिति की मांग की गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि कलेक्टर सर जो है इनकी मंशा के अनुरूप जो भी नियम के अधीन है एक जांच समिति गठित करके उस हॉस्पिटल पे जितना स्ट्रिक्ट हो सकता है वो एक्शन लेने के लिए हम उन जिस परिसर ज्यूरिसडिक्शन में वो हॉस्पिटल आता है उसको प्रस्तावित कर सकें। कुल्हाड़ी घाट में जो कल अमानवीय एक कृत्य सामने आया है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जिनके घर में कंदमूल खाए थे बल्दी बाई, उनकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट थी और उनको यहाँ गरियाबंद हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद उनको अभनपुर ले आया गया, जहाँ रायपुर जाने ले जाते हुए उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर के उस दोनों बच्चे और गर्भ में रहे बच्चे और महिला की जान चली गई और हॉस्पिटल प्रशासन ने उनको ये बॉडी देने से मना कर दिया गया। जब पैसे की मांग की गई और पैसे में जब मांग की गई तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 25,000 रुपये वहाँ दिया। 25,000 देने का यह अमानवीय कृत सामने आया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और उचित कार्रवाई की मांग की है और पंजीयन उनकी निरस्त करने की मांग की है। अगर पंजीयन निरस्त नहीं होता है तो युवा कांग्रेस आगे आंदोलन करने की बाध्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।